संजय राउत का बयान, जिसके बाद अब सियासत महाराष्ट्र की ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही करवट लेती हुई नजर आ रही है। आज के संजय राउत, कल के संजय राउत, मीडिया से दोनों बार बात करते हुए जब संजय राउत नजर आए, मतलब कल के दिन और आज के दिन, तो उनके चेहरे पर कल वो चमक नहीं थी जो चमक आज दिख रही थी संजय राउत के चेहरे पर। जरा वो दो तस्वीरें दिखा दीजिए संजय राउत की, कल वाली तस्वीर, आज वाली तस्वीर, और साथ ही हम लिए चलते हैं आपको, जरा सुनाते हैं, पहले सुनाते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो गुजर जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है, सूरत में है मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे क्योंकि वो निष्ठावंत निष्ठावान शिवसैनिक है। सबसे चर्चा चल रही है, माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है, उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझ कर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। हम संघर्ष करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है, कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी,
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।